नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज, मैं हूं बनीता मिश्रा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नियोजित शिक्षकों को बड़ा झटका लगा है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने नियोजित शिक्षकों की मांग को खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि लगातार नियोजित शिक्षक अपनी मांग को लेकर पटना की सड़कों पर हंगामा करते नजर आए और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पुनः विचार की याचिका दायर की गई थी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने नियोजित शिक्षकों की पुनः विचार याचिका को खारिज कर दिया और साथ ही साथ कहा है कि जो मैंने पहला आदेश दिया था उसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है और जब उस आदेश में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है तो उस पर फिर से पुनः विचार करने का सवाल ही नहीं उठता। और यही कहकर सुप्रीम कोर्ट ने नियोजित शिक्षकों की मांग को खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले 10 मई को सुप्रीम कोर्ट में नियोजित शिक्षकों ने समान काम के बदले समान वेतन की मांग को लेकर याचिका दायर की थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को उनकी याचिका को खारिज करते हुए बिहार सरकार के पक्ष में अपना फैसला सुनाया था और साफ कह दिया था कि समान काम के बदले समान वेतन कभी नहीं मिलेगा, जिसके बाद नियोजित शिक्षक काफी उग्र हो गए थे। बिहार के पटना में सड़कों पर उतरकर 40 जिसके बाद पटना के सड़कों पर उतरकर 4 लाख नियोजित शिक्षकों ने बिहार सरकार के खिलाफ जमकर हंगामा किया था और फिर से सुप्रीम कोर्ट में पुनः विचार याचिका दायर की थी। और आपको बता दें कि पुनः विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए नियोजित शिक्षकों को झटका दिया है और साफ कह दिया है कि समान काम के बदले समान वेतन नहीं दिया जाएगा। तो बिहार झारखंड के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबी न्यूज़।